श्री कृष्ण के बारे में तो हर कोई जानता है, आइए मैप की मदद से उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3228 ईसा पूर्व मथुरा में कंस के जेल में हुआ था। कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर रखा था। वासुदेव जी श्री कृष्ण को कंस से बचाकर यमुना पार करके गोकुल लेकर जाते हैं, जहां माता यशोदा और नंद देव जी की बेटी से भगवान श्री कृष्ण को बदल देते हैं और वापस जेल में आ जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण 9 साल के हो जाते हैं तब नंददेव जी अपने पूरे परिवार के साथ गोकुल छोड़कर वृंदावन आ जाते हैं। यहीं वृंदावन से 50 किलोमीटर दूर बरसाना में श्री राधा रानी का जन्म हुआ था। ब्रजभान और नंददेव जी आपस में मित्र थे तो श्री राधा श्री कृष्ण से मिलने वृंदावन आया करती थी। अनुमानित 11 साल की उम्र में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा आते हैं कंस को मारने और अपनी माता देवकी और अपने पिता वासुदेव को जेल से छुड़ाते हैं। मथुरा में कुछ समय अपने माता पिता के साथ बिताकर बलराम और श्री कृष्ण गुरुकुलम चले जाते हैं, जहां वो सांदीपनि मुनि जी से शस्त्र विद्या सीखते हैं। ये आश्रम आज के उज्जैन मध्य प्रदेश में है। फिर श्री कृष्ण अपनी नगरी द्वारिका बनाते हैं जो आज के गुजरात में है, और वहीं से श्री कृष्ण द्वारिकाधीश कहलाए। यहीं पर इनको पांडवों के हालत के बारे में पता चलता है, क्योंकि श्री कृष्ण और पांडव आपस में भाई थे। कुंती श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी की बहन थी, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनके दुर्योधन के पास जाते हैं उनका राज्य लौटाने के लिए। लेकिन दुर्योधन के न मानने से महाभारत शुरू होती है, और यहीं ज्योतिषार में श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं। महाभारत के बाद श्री कृष्ण अपनी नगरी द्वारिका जाते हैं, और यहीं से द्वापर युगांत और कलयुग की शुरुआत हुई।